एक दलित महिला की जो बच्ची को रो दिन दिवाले लिख जाके अगर जंगल में ऐसा करते हैं उसको और फाड़ते हैं आड़े तेड़े, एक जानवर को भी नहीं काटते, उस तरह से बुरी तरह से उसको काटे गया और रात रात जलाया गया। उसके पेरेंट्स को फोटो, उसकी सूरत, आखिरी जो सूरत रहती है वो बहुत मायने रखती है, वो सूरत भी बताया नहीं गया। तो हमारा राष्ट्र तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, वोट हमारा राष्ट्र चलेगा, नहीं चलेगा, योगी मोदी मुर्दाबाद, 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 योगी मोदी मुर्दाबाद, 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 योगी इस्तीफा देना होगा, देना होगा, देना होगा, योगी इस्तीफा देना होगा, देना होगा, देना होगा, दलित लड़की के साथ इंसाफ करना होगा, करना होगा। सी ऑफिस के सामने हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं बीजेपी सरकार के खिलाफ। उसकी वजह क्या है, वो तो ये जो तीन चार दिन पहले जो बच्ची की बलात्कार करके उसको इमीडिएट रात रात जब बच्ची मरने के बाद रात रात 3 बजे रात को ये जलाए हैं, बीजेपी सरकार जलाने लगे हैं। उसका रीज़न क्या है, वो तो जो उसकी सच्चाई है, जो बच्ची को करे, जो आरोपी को छुपाने का काम ये सरकार करी है, और एक दलित महिला की जो बच्ची को दिन दिवाले लिख जाके अगर जंगल में ऐसा करते हैं उसको और फाड़ते हैं आड़े तेड़े, एक जानवर को भी नहीं काटते, उस तरह से बुरी तरह से उसको काटे गया और रात रात जलाया गया। उसके पेरेंट्स को फोटो, उसकी सूरत, आखिरी जो सूरत रहती है वो बहुत मायने रखती है, वो सूरत भी बताया नहीं गया। तो हम और कल रात में देखने को मिला कि भाई बीजेपी सरकार 5 लोगों को सस्पेंड करने का काम बीजेपी सरकार करी है। और हम कहना चाहते हैं कि आप जो उनको सस्पेंड करके ये दिखाना चाह रहे हैं कि भाई पुलिस वाले की गलती थी, हमारी बीजेपी सरकार की गलती नहीं है बोल के, मगर आम जागी है और आम को मालूम है कि भाई आप क्यों ये लोगों को, एक ऑफिसरों को सस्पेंड करके दिखाना चाह रहे हैं कि भाई ये हमारा इसके अंदर रोल नहीं है बल्कि, मगर आम जागी है और आम को मालूम है कि भाई आपका जो गलत काम कर रहे हैं और काली रात में जो काम कराया गया है, काला कानून, मतलब जैसा काला आप सरकार से डिमांड क्या करते हैं, बीजेपी के जैसा हैदराबाद में बीजेपी हैदराबाद की गवर्नमेंट जो है वहाँ पर जो रेप करे थे उनको रोड के ऊपर ला के इनकाउंटर किया गया। हम ये डिमांड करते हैं कि जनता दल सेक्युलर की तरफ से कि भाई वो भी जो भी आरोपी हैं उनको सेम वही जगह पर ला के गोली मारना बोल के हम आपके सोशल मीडिया के थ्रू इस मौके पर बोलना चाहते हैं। आज के दिन जो ना हम हथरास जिले के जो हत्या हुआ है, हत्या वो हत्या के बारे में जिला जातीय जनता दल, युवा जातीय जनता दल दोनों मिल के वो सब्जेक्ट को जो ना खंडन करते हुए, हम इस देश में क्या चल रहे क्या नहीं चल रहे सबको मालूम है, हम बोलने की जरूरत ही नहीं है। अब देशी नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री बन के 1914 में आया, उन्होंने वो 14 में आके अभी तक 6 साल हो गया, उन्हें क्या बोलते हुए आया, उन्हें क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे, बोल रहे एक कर रहे एक। अब एक दलित महिला के ऊपर हथरास में जो हत्या होता, उनको रेप करके अत्याचार करके उनका जवान काट के उनका हड्डी तोड़ के जो है ना वो जो ना करे तो भी कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं। ये नरेंद्र मोदी होंगे, योगी आदित्यनाथ होंगे, एक सिनेमा एक्टर, एक क्रिकेट वाला, कोई बजरंग दल, एक गाय का गाय मरे तो वो इमीडिएट ट्वीट करते तुम या इसको खंडन करते, लेकिन ये लड़की का जान नहीं है क्या, इनका बारे में तुम क्या भी नहीं बोले। इसलिए हम जिला जातीय जनता दल, युवा जनता दल दोनों मिलके अब जो होराट कर रहे ये कंटिन्यू रहेगा, जब तक तुम योगी आदित्यनाथ को राजीनामा नहीं दिलाते तब तक हम होराट करते रहेंगे। और नरेंद्र मोदी को चेतावनी है, तुम क्या बोले क्या नहीं बोल रहे, अब बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बोल के बोले, अब कहाँ है वो नारा, बेटी पढ़ाओ भी नहीं बेटी बचाओ भी नहीं, बच्चों को जो ना नौकरी भी नहीं क्या भी नहीं। लेकिन अब एक छोटा गांव में एक घर में वो एक 10x10 का रूम में जो ना 200 पुलिस बोले तो किसको, पुलिस को क्यों छोड़े तुम, पुलिस क्यों किसको भी घर में बाहर कर नहीं छोड़ रहे बाहर, और जो है ना अभी मीडिया वालों को नहीं छोड़ रहे, मीडिया वाले जाके घर वालों को कुछ पूछना बोले तो नहीं छोड़ रहे, और जो है ना तुम क्या भी नहीं करे रेप नहीं हुआ बोल के तुम शर्माना योगी आदित्यनाथ को और पुलिस डिपार्टमेंट को प्रधानमंत्री को, क्यों बोले तो नहीं हुआ तो तुम जलाए क्यों रातों रात वो डेड बॉडी, घर वालों को क्यों नहीं सौंपे, ये सारा जो है ना मोदी और ये योगी आदित्यनाथ का साजिश है। क्यों बोले तो संदीप बोलने वाला ठाकुर, संदीप ठाकुर बोलने वाला बच्चे
उनका बाप मोदी और योगी आदित्यनाथ के बाजू बैठे सो है, कैसा उनको जो ना सिक्के हो जाएंगे, ये पर्पजली करे सो है। एक दलित महिला के ऊपर अत्याचार हुआ बोले तो भी तुम खामोश है बोले तो इसका मतलब मालूम होता, लेकिन एक दिन ये दलित माइनॉरिटी और बैकवर्ड एक हो गए ना, ये मोदी भी कहाँ भी नहीं लगता, योगी आदित्यनाथ भी कहीं नहीं लगता। इसलिए मैं इतना चेतावनी देते, आप लोग इमीडिएट वो लोगों को जो वो हत्या करे है वो लोगों को तुम फांसी अगर नहीं करे तो तुम्हारे को पब्लिक फांसी करता बोलकर इतना मैं बोल सकता हूँ।